हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष अकेडमी पे। और आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं जो UBTR स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स है, हालांकि ये एग्ज़ाम सब जो है UKMSSB के पास में चला गया है, यानी उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास में एग्ज़ाम्स चला गया। कंडक्ट अब जो है जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगा वो UKMSSSB करवाएगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिल लिया इस एग्ज़ाम से संबंधित, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। नर्सिंग भर्ती के लिए युवाओं को दोबारा करने होंगे आवेदन, यानी कि जो UBTR स्टाफ नर्स था उसके लिए अब जो युवा हैं उनको दोबारा आवेदन करना होगा। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 2600 से अधिक खाली पदों पर नर्सों की भर्ती के लिए युवाओं को दोबारा आवेदन करने पड़ सकते हैं। सरकार ने चिकित्सा चयन बोर्ड से इस संदर्भ में राय मांगी थी। बोर्ड ने आवेदन की प्रक्रिया दोबारा कराए जाने का सुझाव दिया है। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। सरकार ने कुछ समय पूर्व नर्सिंग भर्ती परीक्षा प्रावधिक शिक्षा परिषद से कराने की बजाय चिकित्सा चयन बोर्ड से कराने का निर्णय लिया था, ठीक है। प्रावधिक शिक्षा परिषद में इस भर्ती के लिए 12,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किए थे। चिकित्सा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत ने इस संदर्भ में कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सरकार तक अपनी बात कह दी है। वहीं शासन के सूत्रों ने बताया कि यदि सरकार नर्सिंग भर्ती के लिए दोबारा आवेदन कराती है तो युवाओं को प्रावधिक शिक्षा परिषद में किए गए आवेदन की फीस लौटाई जाएगी। यानी कि देखिए गाइज, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशंस नहीं है, लेकिन जो न्यूज आ रही है, ठीक है, जो UBTR स्टाफ नर्स के लिए आपने आवेदन किया था तो हो सकता है यहाँ पे दोबारा आवेदन करने पड़े। और जो UBTR में आपने जो फीस सबमिट कराई थी वो आपको रिफंड कराई जाएगी। बार बार निर्णय बदलने से लटकी भर्ती, नर्सेज भर्ती परीक्षा में देरी की वजह मुख्य सरकार की ओर से बीच बीच में नियमों में बदलाव किया जाना है। जैसा कि आपको भी पता है, नर्सों की भर्ती अभी तक कब हो चुकी होती यदि सरकार पूर्व में भर्ती एजेंसी बदलने का निर्णय नहीं लेती। तकरीबन 2 साल पहले सरकार ने नर्सों की भर्ती चिकित्सा चयन बोर्ड से कराने का निर्णय लिया था। बोर्ड ने भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया तब तक सरकार ने भर्ती एजेंसी बदलकर प्रावधिक शिक्षा परिषद से परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया। इस निर्णय की वजह से परीक्षा में देरी हुई और आज तक इस परीक्षा को नहीं कराया जा सका है, ठीक है। तो यानी कि जो है 2 साल पहले ही जो है ये जो है सरकार ने जो है नर्सों की जो भर्ती है वो चिकित्सा चयन बोर्ड से कराने का निर्णय लिया था। लेकिन हालांकि उसके भी जब ये जो 2700 पद थे इनके लिए आवेदन हुए और फिर बाद में ये UBTR के पास में चला गया, एंड अब दोबारा से जो है ये चिकित्सा चयन बोर्ड के पास में आ गया है। तो जल्दी ही अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आता है तो मैं आपको जो है अपडेट करा दूंगा। हालांकि जितना जो है ज़्यादा चांस है यहाँ पे आपको दोबारा आवेदन करने पड़ सकते हैं अगर जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है तो।